Let's do question number 22 of exercise 70, that is triangles. Question number 22 is Naman is doing fly fishing in a stream. Naman यहाँ बैठा हुआ है और वो flying fishing कर रहा है, मतलब fishing rod ली हुई है और fishes पकड़ रहा है. The tip of his fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water. इन्होंने दिखाया हुआ भी है, देखिए यहाँ पे नमन बैठा हुआ है, यहाँ से इसकी स्टिक है और ये स्ट्रिंग है, और ये उन्होंने बताया जहाँ से स्ट्रिंग टाई की गई है वो वाटर सरफेस से 1.8 मीटर अबव है. द टिप ऑफ हिज फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर इज 3.6 मीटर अवे फ्रॉम हिम. वो कह रहा है और जो ये फ्लाई कर रही है स्ट्रिंग, यहाँ से ये वाली जो फ्लाई कर रही है वो उससे 3.6 मीटर अवे है एंड 2.54 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड, और 2.4 मीटर वहाँ से अवे है जो कि टिप ऑफ द रॉड है. आपने अगर फिशिंग रॉड देखी होगी तो एक लकड़ी की एक रॉड सी होती है, उसके आगे स्ट्रिंग लगी हुई होती है, तो ये वो स्ट्रिंग है और यहाँ से वो टाई है. तो वो कह रहा है कि 2.4 मीटर जो है वो कहाँ से है, वहाँ तक है 2.4 मीटर जहाँ पे वो टाई की हुई है नॉट, उसकी स्ट्रिंग टाई की हुई है. एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हिज रॉड टू द फ्लाई इज टॉट, हाउ मच स्ट्रिंग डज ही हैव आउट सी इन द फिगर. वो कह रहा है एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है फ्रॉम द टिप ऑफ हिज रॉड टू द फ्लाई इज टॉट, यहाँ पे टिप ऑफ द रॉड से टाई की गई है, हाउ मच स्ट्रिंग डज ही हैव आउट, और कितना स्ट्रिंग उसने बाहर निकाला हुआ ये पता लगाना है. इफ ही पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट, अगर वो स्ट्रिंग को पुल करता है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो उसने कितनी निकाली स्ट्रिंग ये बताना है, एंड वॉट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू द फ्लाई फ्रॉम हिम आफ्टर 12 सेकेंड, और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा अगर वो ये स्ट्रिंग, यहाँ पे एक व्हील सा होता है जिससे उसको घुमाना होता है जिससे ये स्ट्रिंग छोटी होती चली जाएगी, राइट, और जब ये लीवर घुमाएगा तो ये स्ट्रिंग छोटी होती चली जाएगी. तो आफ्टर 12 सेकेंड, अगर वो 5 सेंटीमीटर स्ट्रिंग रोल कर पाता है एक सेकेंड में, तो वो आफ्टर 12 सेकेंड कितनी स्ट्रिंग रोल कर पाया, और वो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ ये बताना है 12 सेकेंड्स बाद का. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. BM हमें दे रखा है कितना, मतलब कि हमारी लेंथ और दे रखी है वाटर सरफेस से जहाँ पे वो नॉट बंधी हुई है, स्ट्रिंग बनी हुई है, वो दे रखी है 1.8 मीटर. और हमें क्या दे रखा है, हमें 2.4, हमें 3.6 क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर, जहाँ स्ट्रिंग रेस्ट कर रही है वहाँ से जहाँ नमन बैठा है उसका डिस्टेंस दे रखा था. तो हमारा AC दे रखा है, AC मान रही हूँ मैं उसको, तो AC दे रखा है हमारा कितना 3.6 मीटर. और क्या कह रहा है, हमारा जहाँ स्ट्रिंग बंधी हुई है वहाँ से हमारा जो स्ट्रिंग का कॉर्नर है वो कितना दे रखा है 2.4 मीटर. तो हमें CM दे रखा है 2.4 मीटर, राइट. और क्या कह रहा है, अब हमें निकालना है कि अगर वो स्ट्रिंग को लीवर घुमा के पुल करता है तो 1 सेकेंड में अगर 5 सेंटीमीटर करता है तो 12 सेकेंड में कितनी खींच पाता है. तो मान लीजिए स्ट्रिंग 12 सेकेंड में यहाँ तक पहुँची है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अगर मैंने ये स्ट्रिंग 12 सेकेंड बाद यहाँ पहुँची है, तो पहले हमें वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि 12 सेकेंड तक कितनी पुल की है उसने. तो हमारी ये स्ट्रिंग थी, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, पहले हमारी फुल स्ट्रिंग कितनी थी वो निकालेंगे, उसमें से उसने 12 सेकेंड में कितनी खींची वो निकालेंगे. तो अब देखिए, अगर आप देखेंगे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट.
तो मैं ये ना लिखे कि इस पॉइंट से यहाँ तक, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इन ट्राइंगल सी एम बी, तो इन ट्राइंगल सी एम बी राइट एंगल्ड है, जो कि राइट एंगल्ड एट एम। मैं एक बार और बता रही हूँ, नमन यहाँ बैठा हुआ है, उसके हाथ में फिशिंग रॉड है, उससे स्ट्रिंग लटकी हुई है, जो कि जहाँ पे स्ट्रिंग का पॉइंट आ रहा है वहाँ से नमन का डिस्टेंस 3.6 मीटर है, और जहाँ पे स्ट्रिंग टाई की हुई है वहाँ से सरफेस, वाटर सरफेस 1.8 मीटर है। वो कह रहा है कि अगर नमन 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर स्ट्रिंग खींच पाता है, और तो 12 सेकेंड्स में कितनी खींचेगा, और जो कि 12 सेकेंड्स में पॉइंट आया है सी डैश, वहाँ से उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा नमन का, ये बताना है हमें। तो हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, पहले हम ये निकाल लें कि ये स्ट्रिंग कितनी है, तभी हम ये निकाल पाएंगे ये कितनी आएगी, क्योंकि हमें ये तो पता है हमें 12 सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस कवर किया है स्ट्रिंग का, इतनी स्ट्रिंग उसने खींच लिया, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमने ये पूरा ट्रायंगल ले लिया है, अब हमें ये पता है, सी एम पता है और बी एम पता है, तो हम बी सी निकाल लेंगे। तो हमने निकाला बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। तो बी एम था हमारा 1.8 का होल स्क्वायर और सी एम था हमारा 2.4 का होल स्क्वायर। तो 1.8 कितना हो गया, 1.8 इंटू 1.8, 8 इज 64, 14, 8 एंड 1, तो ये आ गया 4, 12 एंड 3, 3.24 प्लस 24 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 4 इज 16, 4 2 इज 8 एंड 9, 2 4 2 2 4, 576, तो ये आ गया 5.76, तो ये कितना आया, 10 कैरी 1 10 कैरी 1 9, तो बी सी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज 3 मीटर आ गया। तो इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग कितनी लंबी थी, 3 मीटर की थी, राइट। अब देखिए हमें पता है नमन जो खींच पाता है वो 5 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में खींच पाता है स्ट्रिंग, और हमें 12 सेकेंड्स की निकालनी है। तो नाउ नमन पुल पुल स्ट्रिंग इन 1 सेकेंड, कितनी, 5 सेंटीमीटर। नाउ नमन पुल स्ट्रिंग इन 12 सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड में कितनी खींच पाए, एक की दी हुई है, ज़्यादा की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 12 दैट इज 60 सेंटीमीटर खींच पाएगा, राइट। अब हमें यहाँ मीटर में दे रखा है सब कुछ, और ये सेंटीमीटर में आया है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये आ गया 60 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.6 मीटर हमारी स्ट्रिंग खींच पाता है 12 सेकेंड में, राइट। इसका मतलब हमें ये स्ट्रिंग पता चल सकती है, देखिए कैसे, हमारी बी सी ये पूरी स्ट्रिंग हमारी 3 मीटर की आई थी, और वो कितनी स्ट्रिंग खींच पा रहा है, 0.6 मीटर खींच पा रहा है, तो हमारी ये स्ट्रिंग कितनी बच गई है, अब वो पता चल जाएगी। तो हमारी बी सी डैश कितनी है, 3 मीटर में से हमने 0.6 मीटर लेस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2.4 मीटर की स्ट्रिंग बच गई है अब, राइट। अब हमें ये पता चल गया है ये जो स्ट्रिंग बच गई है 2.4 मीटर की बच गई, तो अगर मैं सी एम निकाल दूँ, तो एम ए हमें पता है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता कर सकती हो, तो सी डैश एम निकाल दूँ, तो सी डैश एम निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल सी डैश एम बी की बात करें, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, बी सी डैश, बी सी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू बी एम का स्क्वायर प्लस सी डैश एम का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये था हमारा 2.4 का होल स्क्वायर, बी एम कितना था, 1.8, तो 1.8 का होल स्क्वायर प्लस सी डैश
एम स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये कितना आया, 2.4 का स्क्वायर हमने निकाला था 5.76, और 1.8 का स्क्वायर हमने निकाला था 3.24 प्लस सी डैश एम स्क्वायर। तो सी डैश एम स्क्वायर कितना आ गया, 5.76 अपनी जगह और 3.24 उसमें से माइनस हो गया, तो ये आ गया 2.52। तो सी डैश एम कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2.52। तो ये कितना आ गया, चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं 2.52 का। तो ये आ गया 1 × 1 = 1, 152 पॉइंट लग गया, 2 आ गया। अब 26 सिक्सा करें, 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12, 13, 14, 15 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.5, 5 = 125 हो गया। तो ये कितना आ गया, 12 में से 5 गया 7 एंड 4 में से 2 गया 2। आगे दो ज़ीरो लगा रही हूँ तो ज़ीरो आ गया, 25 में से प्लस 5 हुआ तो 30 हो गया। अब 3 × 0 = 8, 8 जाएगा क्योंकि 9 करेंगे तो 27 समथिंग आ जाएगा, तो 8 × 8 = 64 एंड 8 × 3 = 24 ये आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो 1.58 आ रहा है, तो ये आ गया 1.58 मीटर, राइट। इसका मतलब हमारा ये वाला पार्ट आ गया 1.58, राइट। अब हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना था कि जो स्ट्रिंग आफ्टर 12 सेकेंड्स है, जहाँ पे उसका पॉइंट है, वहाँ से नमन कितनी दूर बैठा है हॉरिजॉन्टली, ये निकालना है। तो हम सी डैश ए कैसे निकालेंगे, सी डैश ए निकालेंगे हम, सी डैश एम में हम एम ए प्लस कर देंगे, राइट। तो सी डैश एम कितना है, 1.58 प्लस एम ए कितना आएगा, एम ए है 1.2, तो आ गया 1.2। तो ये कितना आ गया, 8 × 7 = 1.2, राइट मीटर। तो हमारा को पता चल गया कि नमन कितनी दूर बैठा है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग के पॉइंट से आफ्टर 12 सेकेंड्स, दैट इज 2.78 मीटर इज द आंसर। बुक में आंसर 2.8 दे रखा है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1.6 ले रखी है, लेकिन मैंने ये एग्जैक्टली ली है। आप चाहें तो इसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, 1.58 ले ली है। तो अगर आप 1.58 लेंगे तो आंसर, करेक्ट आंसर इज दिस। अगर आप 1.6 लेंगे, देन द आंसर विल बी 2.8 मीटर इज द आंसर।